नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखने जा रहे हैं सर्कल द करेक्ट कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे कौन सा कैसा पैटर्न दिया है, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, ऐसा पैटर्न दिया गया है। लेकिन हमें इसमें से करेक्ट पैटर्न फाइंड आउट करना है, उसको उसके अराउंड सर्कल करना है। जैसे कि हम कर रहे हैं कैपिटल पी स्मॉल पी, एक्स वाई, ये करेक्ट है क्या? नहीं है। तो इसे हम क्रॉस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही। कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है। टी वी, ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं है, इसको नहीं करेंगे। कैपिटल ई स्मॉल एफ आर, ये भी करेक्ट नहीं है। कैपिटल बी स्मॉल बी, ये करेक्ट है, इसलिए हम सर्कल कर रहे हैं। एन एम, ये भी नहीं है। इसी में हम नेक्स्ट एक्टिविटी देख रहे हैं, राइट द नेक्स्ट लेटर। अब मैंने यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे, उसके अब एक्स है, एक्स के नेक्स्ट क्या आता है? एक्स वाई, तो हमें यहाँ पे वाई लिखना। पी के नेक्स्ट क्या आता है? क्यू। एस के नेक्स्ट टी, बी के नेक्स्ट सी, आई के नेक्स्ट क्या आता है? जी। और के एल, ऐसे ये एक्टिविटी कंप्लीट करवानी है। इससे क्या होगा, जो हम स्टार्टिंग में बच्चों को अल्फाबेट्स पढ़ाते हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या वो करेक्ट पढ़ रहे कि नहीं है, और उनको याद रह रहा है कि नहीं रह रहा है, ये दोनों एक्टिविटी से ये क्लियर हो जाएगा।